गाइस आज हम चैप्टर नंबर 26 करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर है हमारा। ओके तो क्लास नाइन्थ के हमने सभी चैप्टर्स अपलोड किए हैं जिसमें आपने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराया है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। उन सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आज हम इसका एक चैप्टर हमारा रह गया था 26 पर। वैसे हमने एक शॉर्ट मतलब वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया, कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ इसमें कराए हैं, लेकिन यहाँ पर आज हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ईच एंड एवरी सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि हमारी वीडियोस में आपको ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मिलता है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलता। तो चैप्टर नंबर 26 को देखते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 26 में आपको क्या करना है, देखो चैप्टर नंबर 26 ये हमारा किस पर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, टू किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं किसी भी प्लेन पर। ओके यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन या फिर जो भी हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं उसको, उस पर पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे किस टाइप से। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26। ओके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसमें करेंगे अब सबसे पहले हम यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लोकेशन किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना कि कोई भी पॉइंट है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है इस प्लेन पर, ये मैंने पॉइंट बनाया। अब हम इस पॉइंट की लोकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इस पर ये चैप्टर हमारा बेस्ड है कि इन लोकेशंस का क्या मीनिंग होता है हमारा, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अर्थ पर कैसे बताते हैं। अब अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर हम किसी भी कॉलोनी में हैं, ठीक है, किसी भी सिटी में हैं, तो आप किसी को भी अगर फ़ोन करते हो और आप उसको कहते हो कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ से बोल रहे हैं, बेंगलोर से बोल रहे हैं, हम मुंबई से हैं, तो आप इस तरीके से लोकेशन बताते हो। लेकिन अगर आप कहीं पर किसी सी के बीच में, ठीक है, किसी ओशन में आप, और ओशन में आप यहाँ पर किसी शिप पर हो, तो इस शिप पर आप कैसे बताओगे, इस शिप पर बैठे आप किसी को अगर कॉल करते हो आप कैसे बताओगे आप किस लोकेशन पर हो, यहाँ पर कोई कॉलोनी कोई सिटी वगैरह आपकी है ही नहीं, आप कैसे बताओगे आप कहाँ पर लोकेट हो। तो इसी के लिए आपका एक लोकेशन बनाया गया है कि हम लोकेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अर्थ पर लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, और ये जो लॉन्ग वाली लाइन है जो वर्टिकल लाइन्स हैं लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, इनके डिग्री के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज बताते हैं कि हम कितने डिग्री लैटिट्यूड कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लोकेशन बताते हैं किस पर सिप वगैरह पर आते हैं। ऐसे ही आप ग्राफ पढ़ते हो, ऐसे ही कुछ आपका जो ये अपन इस तरीके से बन रहा है, आपके लोकेशन चार्ट बन रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे हमारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बन रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पर चार्ट पर पढ़ते हैं कि चार्ट पर हम किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताते हैं। तो आपने चार्ट मतलब जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ जिसको हम कहते हैं, जिस पर हम बनाते हैं एक प्लेन जिसको हम एक्स वाई प्लेन, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस होते हैं हमारे, इसको एक्स और एक्स डैश, इसको वाई एंड क्या कहते हैं वाई डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश, एक्स वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इस टाइप से। ओके और यहाँ पर इसको हम माइनस वाली वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो इनमें हमने रिप्रेजेंटेशन सीखा है कि हम किस टाइप से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एट क्लास में भी हमने थोड़ा सा किया है इसके बारे में, तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और कि यहाँ पर अगर आपके पास ये चार्ट है तो हम चार्ट में किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। ओके तो जैसे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं इस चार्ट में, कि हमने अगर ये पॉइंट लिया इस चार्ट में, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे कि देखो आप इस पर क्या है, आप एक्स एक्सिस पर क्या हो, आप एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस पर हो, और वाई एक्सिस पर आप कितने डिस्टेंस पर हो, वाई एक्सिस पर आप 2 डिस्टेंस पर। तो आप कहोगे कि इस पॉइंट लेट कर लेते हैं ए पॉइंट, इस ए पॉइंट की जो लोकेशन है वो क्या है, 3.2 है, मीन्स आप एक्स एक्सिस से, यहाँ ओरिजन है, इसको ओरिजन बोलते हैं, इसको 0.0 कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, कि आप एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस पर हो, एक्स एक्सिस से अगर आप 3 डिस्टेंस पर आ जाते हो, एक्स एक्सिस से 3 डिस्टेंस चलो मतलब ओरिजन से आप ओरिजन पर खड़े हो, फिर आप एक्स एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चलो, फिर वाई एक्सिस पर फिर 2 डिस्टेंस चलो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप एक पॉइंट पर पहुंच जाओगे, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, यही पॉइंट होगा हमारा 3.2 मीन्स ए पॉइंट होगा। ओके तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है कि एक ही लोकेशन को बता रहा है यहाँ पर, कि एक ही लोकेशन क्या है। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर किसी पॉइंट पर हैं, इस यहाँ गिवन पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंट लेट कर लेते हैं बी, और बी पॉइंट हमारा क्या है, देखो एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई पर कितना -3। हमेशा पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर वाई की वैल्यू, हमेशा कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। ओके तो ये एक एक कोऑर्डिनेट्स, इसको कहते हैं एक एक क्या है, किसी भी पॉइंट के क्या है कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई की वैल्यू, किसी भी पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू,
एक्स और वाई से डिस्टेंस हम क्या कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -3, मीन्स कि आप एक्स एक्सिस पर 4 चलो और वाई एक्सिस पर फिर क्या चलना, -3 चलना। तो आप जहाँ पर पहुंचोगे वही पॉइंट हमारा क्या होगा, 4, -3 होगा। ये सिंपल हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इस कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब इसमें ये एक्स की वैल्यू होती है, इसमें वाई की वैल्यू होती है। एक्स की वैल्यू को ऑल्सो कहते हैं क्या, एबसीसा भी कहते हैं। एक्स की वैल्यू को एबसीसा भी कहते हैं, ठीक है, एफ सी सभी कहते हैं। और इस वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। वाई की वैल्यू को ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ओ से स्टार्ट करना, ठीक है। और दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट, ये पूरा मिल गया हमारा क्या, ए का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ओके। इस टाइप से कहते हैं, जैसे अगर आपसे कह रहा है कि ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कोऑर्डिनेट बताओगे 3, 2। मैं कह रहा हूँ कि ए का ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट सिर्फ बताओगे आप 2। मैं कह रहा हूँ आप ए का एबसीसा बताओ, एबसीसा सिर्फ बताओगे आप 3। जैसे यहाँ पर इसमें बताओ कि इसमें एबसीसा क्या है, एबसीसा 4, ऑर्डिनेट क्या है -2, -3, और कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है 4, -3। कोऑर्डिनेट में दोनों ही वैल्यूज बताते हैं एक्स एंड वाई की। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, यही हमें इसमें पढ़ना है। देखो आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि यहाँ पर देखो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ बात की है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि हम लीनियर इक्वेशन को भी पढ़ते हैं, तो जिस भी फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसमें एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे हम कोई लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं इस टाइप से, वाई इक्वल्स टू 2x+3। इस लीनियर इक्वेशन में जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे हम एक्स की वैल्यू 1 करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब 1 पुट किया तो 2 1 2+3 5, वाई की वैल्यू 5 मिली। 2 पुट किया, 2 2 4 3 7, 7 मिल गई वाई की वैल्यू। इस टाइप से आपको वैल्यू मिलती रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप एक्स की वैल्यू पुट करते होगे, ठीक है। तो यहाँ पर x को कहोगे आपकी x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, इनडिपेंडेंट, ठीक है, ये इनडिपेंडेंट है। लेकिन y क्या है, y है डिपेंडेंट, किस पर डिपेंड कर रहा है, y कर रहा है x की वैल्यू पर डिपेंड की। जैसे हम x की वैल्यू लेंगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसमें बस ये है कि हमारा क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट हो गया, y डिपेंडेंट हो गया। लेकिन इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं कि 3 को उधर लेके आओ, -3 हो जाएगा, ये क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, अब 2 को इधर डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो अब जो हमारा अकेला रह जाएगा वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट बन जाएगा। अब ये डिपेंडेंट बन जाएगा, पहले x इंडिपेंडेंट था अब डिपेंडेंट बन गया। क्यों, अब ये y की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ऐसे x की वैल्यू मिलेगी। बस ये है कि x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी हमें, 2 पुट करते हैं तो कुछ डिफरेंट मिलेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पर y क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, तो ऐसे इनडिपेंडेंट। तो बस आपको क्या करना है, इनडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताना है, ओके। तो जो अकेला होगा हमारा वो डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हम वैल्यू किसकी रखते हैं, जिसके साथ वैल्यूज होती हैं, ओके। तो यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू मिलती रहेगी हमें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का। आगे चलते हैं, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और भी क्लियर हो जाएगा हमारा क्या है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या है। ये चीज़ें हमने पढ़ ली कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कह रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर की जो हम कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। एंड ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक्स की एंड वाई की वैल्यूज हम रख रहे हैं, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कह रहे हैं। इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मीन्स हमेशा पहले एक्स की वैल्यू होगी, पहले फिर लास्ट में सेकंड वाली वैल्यू वाई की होगी। ये 5 क्या है एक्स की वैल्यू, मीन्स एबसीसा, और 7 क्या है वाई की वैल्यू, मीन्स ऑर्डिनेट भी कह सकते हो आप इसको। सिंपल है ये मीनिंग। इन ऑर्डर टू पेयर ए एंड बी, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, ये तो ए फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर ऑलवेज कब इक्वल होंगे, जब एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल और वाई की वैल्यू वाई के इक्वल। जैसे 5, 7 लिखा और 7, 5 लिखा, क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। 5, 7 और 7, 5 दोनों ही डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप 5, 7 रिप्रेजेंट करोगे तो ये रिप्रेजेंट होगा कुछ यहाँ पर, 5, 7 यहाँ जाकर रिप्रेजेंट होगा, मान लेते हैं 7 पॉइंट आ रहा है। लेकिन 7, 5 तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, 7 जाओगे फिर यहाँ पर 5 हो जाओगे, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ओके। तो अगर x की वैल्यू x के इक्वल है, वाई की वैल्यू वाई के इक्वल है, तब तो हमारे क्या हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर या फिर कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, वरना नहीं है, सिंपल, ओके। इसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी जाता है कि आपको एक ऑर्डर पेयर इसने ऐसे दे दिया 5, 7, दूसरे क्वेश्चन ने इस तरीके से दे दिया, कैसे कि x+1, ओके, सेकंड वाले को दे दिया उसने क्या y, 2y, -1, इस तरीके से कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो, और कह रहा है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, 5 को इसके इक्वल रखोगे, 5 = x+1, 1 इधर आकर माइनस, तो x की वैल्यू 4, फिर 7 = 2y - 1, -1 इधर आकर 8, तो 2y 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4y की वैल्यू
फोर, ओके ये हो जाएगी हमारी सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे, जैसे इसने यहाँ पर गिवन भी किया है, देखो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पर, ओके। ये तो एग्जाम्पल आपको गिवन किया है, हमने बता भी दिया आपको। कार्टिजन प्लेन जिस प्लेन, या फिर हम जैसे कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन लेते हैं जो अभी हमने बनाया था, उसी को हम क्या करते हैं, कार्टिजन प्लेन भी कहते हैं। कार्टिजन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट देयर जीरोज, जैसे ये जो इंटरसेक्ट कर रही है या इस अपने जीरोज पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, कार्टिजन प्लेन कहेंगे, ओके। अब इन कार्टिजन प्लेन में हमने ये पढ़ लिया कि ये क्या होता है, x ये x डैश होता है, ओके, ये y डैश होता है। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू प्लस की होंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली माइनस की, अपवर्ड वाली प्लस डाउनवर्ड वाली माइनस, ओके। ये सिंपल सी बात हो गई, इसमें हमारी पोजीशन वगैरह हमने जब सब डिफाइन कर दिया इसमें, ओके, जिसमें ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो बताया था इसने, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब कह रहा है कि क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पर, किस क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, ये भी सिंपल ये कॉन्सेप्ट कि जो हमने चार्ट बनाया था अभी, हमने जो ये इसको देख लेते हैं इसमें ही हम, ये जो हमने अभी ग्राफ बनाया था इसमें एक्स कार्टिजन प्लेन, इसमें इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट ये फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, ये जो हमारा कार्टिजन प्लेन है फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसमें दोनों ही वैल्यू प्लस की आएंगी, एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की वैल्यू प्लस की। देखो एक्स भी प्लस है और वाई प्लस है, तो इधर आने वाला कोई भी पॉइंट हमेशा प्लस प्लस का ही रहेगा, मीन्स दोनों ही एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन इधर आने वाला कोई भी पॉइंट हमेशा एक्स की वैल्यू माइनस देगा और y की वैल्यू प्लस देगा। तो आपको ये लर्न नहीं रखना, ना रटना, आपको सिंपल समझना है। ये आपको पता ही है कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू नंबर लाइन क्या होती है, प्लस होती है, और लेफ्ट वाली माइनस होती है, ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली माइनस। बस इसी के अकॉर्डिंग आप जहाँ पर भी हो उसके अकॉर्डिंग आप साइन बता दो, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स भी प्लस, वाई प्लस, तो प्लस प्लस, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो एक्स माइनस, पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो इसलिए पहले माइनस लिखा हमने, वाई की वैल्यू प्लस, तो हमने प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस वाला। मींस इसका माइनस माइनस का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आएगा ना वो माइनस माइनस की फॉर्म में आएगा। मींस जैसे हमने ये पॉइंट लिया माइनस थ्री कोमा माइनस टू की, ये हमने माइनस थ्री कोमा माइनस टू इस तरीके से कोई पॉइंट ले लिया, ओके, ये हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू प्लस की, देखो एक्स वाली वैल्यू प्लस की और वाई वाली माइनस की, तो ये क्वाड्रेंट होता है हमारा प्लस और माइनस का, ओके, ये हो गया हमारा सिंपली। तो ये करते हैं हम इसमें, ये हमारा क्वाड्रेंट वाला सिस्टम है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे आ जाते हैं कि वो क्या देगा कि भाई ये आपका एक पॉइंट है, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो आप सिंपल देखोगे कि माइनस प्लस कहाँ आता है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सिंपल आप ऐसे बता दोगे, ओके। जैसे अगर वो कह रहा है कि यहाँ पर माइनस वन माइनस टू कहाँ पर आएगा, माइनस माइनस वाला थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि फाइव कॉमा वन अपॉइंट टू कहाँ आएगा, देखो दोनों के साथ प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कह रहा है कि वो सिक्स कॉमा माइनस थ्री कहाँ पर आएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस, साइन देखने सिर्फ आपको, एक्स की वैल्यू प्लस कहाँ आती है यहाँ पर, वाई की वैल्यू माइनस, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें करने हैं एक्सरसाइज में, कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसे स्लो कर सकते हो थोड़ा सा, स्लो मोड में, ओके, करेंगे इसमें देखो पॉइंट्स वगैरह को प्लॉटिंग या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी इसमें कहा है हमसे करने के लिए। सिंपल एक्सरसाइज चलते हैं 26A पर, 26A को करने वाले हैं कंप्लीट आज हम। तो यहाँ पर है 26A, 26A में कह रहा है कि फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो मैंने आपको बता दिया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है कि वाई इज इक्वल्स टू फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस सेवन, मीन्स इस बार हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, तो जो अकेला है वो डिपेंडेंट है, ठीक है, जो अकेला है वो डिपेंडेंट है, ओके, ये बताना है आपको। और जो यहाँ पर वैल्यू है हमारी जिसके साथ भाई बंधु हैं ये, तो ये क्या है हमारा इंडिपेंडेंट है, ये आराम से रहता है, कोई डर नहीं है इसे, इंडिपेंडेंट, ओके, ये हमारे एक्स। फिर यहाँ पर अगर हम सेकेंड वाले में देखें तो एक्स क्या है हमारा, तो x क्या हो जाएगा डिपेंडेंट हो जाएगा, x क्या डिपेंडेंट हो जाएगा और y क्या है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, सिंपल इस टाइप से बता सकते हैं। तो ऐसे इसमें बता सकते हो आप x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा यहाँ पर
एक्स हो जाएगा डिपेंडेंट और वाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट। यहाँ वाई क्या हो जाएगा डिपेंडेंट और एक्स क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसमें ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम पेपर। ओके, तो प्लॉट करना है आपको पॉइंट, पॉइंट प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, या तो आप ग्राफ पेपर ले सकते हो, या फिर अगर हम सिंपल समझे इसको बिना ग्राफ पेपर के तो यहाँ पर हम इसे बना सकते हैं। ओके चलो, अगर हम इसको सिंपली ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ये हमारा। तो ये हमने ग्राफ प्रिपेयर कर लिया। अब आपको बताना, देखो इसे वाई और इसको वाई डैश कहते हैं, इसको एक्स एंड इसको एक्स डैश बोलते हैं। ओके, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा, मीन्स 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ना अब हमसे कह रहा है कि पॉइंट बताओ आप रिप्रेजेंट करके, क्या पॉइंट रिप्रेजेंट करना है आपको, 8.7 रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा 8.7, तो होगा एक्स एक्सिस पर 8 जाना है आपको, फिर वाई एक्सिस पर कितना जाना, 7 जाना है, वाई एक्सिस पर 7 जाना है, मीन्स यहाँ पर। ओके, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, अगर आप ग्राफ पर इसको ड्रॉ करते हो तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखेगा ये, अगर हम इसको इस पॉइंट को ले रहे हैं तो ये होगा हमारा क्या, 8.7। ओके, फिर सेकेंड में कह रहा है क्या कि 3.6 का होगा, एक्स एक्सिस पर आपको 3 पर जाना है, एक्स एक्सिस पर आपको 3 पर जाना और वाई पर जाना है आपको कहाँ पर, 3.6 है, यस 3.6 है, तो एक्स एक्सिस पर 3 पर जाना, वाई पर आप कितना चलना है, वाई पर जाना 6 का है हमारा, यहाँ पर आकर रुक रहा है ये, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ओके, फिर 0.4 कहाँ होगा, अब देखो 0.4 अगर इसका क्वाड्रेंट पूछे कि बताओ 0.4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखेंगे 0.4 कहाँ रिप्रेजेंट होगा। देखो 0.4 हमारा रिप्रेजेंट होगा एक्स एक्सिस पर, 0 0 पर ही है, वाई पर जाना 4, तो वाई पर आ गए 4, ये पॉइंट होगा हमारा 0.4 0.4। और ध्यान रखना क्या कि वाई की वैल्यू पर आप कहीं पर भी, मतलब वाई एक्सिस पर आप कहीं पर भी चले जाओगे तो इसमें एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगा। जैसे इस पॉइंट को बोलेंगे हम 0.1, इसको पॉइंट को बोलेंगे हम कितना 2 0.2 0.2 0.3, इस तरीके से 0.1। ओके, इस तरीके से इसको कहते हैं, तो वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए वाई एक्सिस को हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं वाई एक्सिस की इक्वेशन। तो ये पूछ लेता है आपसे कि बताओ कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू 0 लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स की वैल्यू 0 आती है। सिमिलरली अगर हम एक्स की बात करें, अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स पर कोई भी पॉइंट लोगे ना तो वो आएगा हमारा एक्स कोमा 0 की फॉर्म में, मीन्स अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे तो आएगा 1.0, क्यों, आपको एक्स पर क्या जाना है, एक्स पर 1 जाना है, लेकिन वाई पर 0 जाना है, तो वाई पर आप 0 पे ही दोगे, क्यों, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर या थोड़े से भी नीचे चले तो इसकी वैल्यू वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस तरीके से वाई की वैल्यू 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आप वाई एक्स एक्सिस पर हो तो इसका मीन्स आप वाई पर क्या हो, 0 पर हो, अगर आप एक्स एक्सिस पर हो तो मीन्स वाई पर क्या हो, 0 पर होती है, 1.0 2.0, इसका मीन्स इसमें वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, तो वाई की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, इसीलिए एक्स एक्सिस को कहते हैं वाई इक्वल्स टू 0 लाइन, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0 होती है। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, ये क्वेश्चंस करेंगे भी हम आगे। अब अगर मैं बात कर रहा था ये 0.4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये आएगा वाई एक्सिस पर। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी लाई कर सकता है। जैसे ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा, मतलब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, 0.4 हो गया हमारा, 0.-4 एक्स एक्सिस पर 0 0 से स्टार्ट करना है और वाई पर जाना -4, तो यही पॉइंट होगा हमारा 0.-4, सिंपल है ये भी हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें 3.-2 जाना है, बताओ ये अगर मैं आपसे क्वाड्रेंट पूछूं कि 3.-2 का कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3.-2 का कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो एक्स पर प्लस जाना है आपको, एक्स पर प्लस जाना और वाई पर जाना माइनस, इसका मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, प्लस माइनस वाला होता है, एक्स की वैल्यू प्लस और वाई की वैल्यू माइनस। अब इधर बनेगा ये कैसे, एक्स पर 3 जाना फिर वाई पर -2, एक्स पर जाओ 3, 0 से स्टार्ट करना है, एक्स पर जाना 3 और वाई पर जाना कितना -2, -2 जा रहे हैं, देखो -1 ये रहा -1, फिर -2 ये रहा -2, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा, ये पॉइंट जो होगा यही क्या होगा हमारा 3.-2, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर 3 हैं और वाई पर कितने हैं -2 हैं, ये है सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि -2.5 ये इसमें बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस -2.5 है,
तो एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस इसी में आएगी। अब बनेगा कैसे, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे इसे, माइनस टू एक्स पर जाना है पहले, जीरो से स्टार्ट करना है, एक्स पर जाना है माइनस टू, ये आ गए माइनस टू, फिर जाना है वाई पर कितना, फाइव, वाई पर फाइव जाना, ये गए ये गए ये आ गए हमारे फाइव, तो ये हो गया हमारा माइनस टू कोमा फाइव, सिंपल हो गया ये हमारा। ओके तो क्वाड्रेंट भी आप बता सकते हो और ये पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइनस थ्री कोमा जीरो, अगर हम बात करें कि माइनस थ्री कोमा जीरो कहाँ रिप्रेजेंट होगा हमारा, तो माइनस थ्री कोमा जीरो इसकी बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखते बता सकते हो कि अगर वाई की वैल्यू जीरो तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई की वैल्यू जीरो हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है, तो माइनस थ्री कोमा जीरो एक्स एक्सिस पर जाना है माइनस थ्री, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर जाएंगे माइनस थ्री, ये माइनस थ्री, लेकिन वाई पर जीरो जाना है तो आप एक्स एक्सिस पर हो, इसका मीन्स आप वाई पर कहाँ हो, जीरो हो, क्यों, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे चले तो कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो यही पॉइंट हमारा क्या है, माइनस थ्री कोमा जीरो है, यही पॉइंट क्या है हमारा, माइनस थ्री कोमा जीरो है, ये बात आई समझ में हमें। क्वाड्रेंट देखेंगे अगर ये क्वाड्रेंट, इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं, ये एक्स एक्सिस पर हमारा पॉइंट सिंपली। नेक्स्ट पार्ट है कि फाइव कोमा जीरो, ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है लेकिन ये पॉजिटिव साइड में, फाइव कोमा जीरो एक्स एक्सिस पर जाना फाइव और फिर जीरो, तो ये हो जाएगा हमारा फाइव कोमा जीरो पॉइंट सिंपली। फिर है हमारा माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री एक्स एक्सिस पर जाना माइनस फोर और वाई पर जाना माइनस थ्री, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस फोर कोमा माइनस थ्री, सिंपल। ओके ये हो गया हमारा सिंपली, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर टू। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, वही क्वेश्चन आ गया जिसमें हम टू कोऑर्डिनेट पेयर या फिर कोऑर्डिनेट्स को इक्वल रखते हैं। इसमें हम कह रहा है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इक्वल है, फर्स्ट पार्ट ये है हमारा कि एक्स माइनस वन और वाई प्लस थ्री किसके इक्वल है हमारा, फोर कॉमा फोर के इक्वल है, इसका मीन्स इसकी एक्स की वैल्यू इस एक्स के इक्वल होगी, वाई की वैल्यू वाई के, एक्स को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स को, एबसीसा कहते हैं। ओके तो एक्स की वैल्यू को हम ऑल्सो नोन एज एबसीसा कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा एक्स माइनस वन फोर, वो कन्फ्यूजन करने के लिए आपसे बोल देता है कि बताओ इसमें एबसीसा की वैल्यू क्या है, तो फोर है, इसमें एबसीसा की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन है, लेकिन ये दोनों इक्वल ही हैं, कैसे इक्वल है, देखो एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव आएगी, क्यों, माइनस वन जगह प्लस वन एक्स की वैल्यू फाइव, और अगर हम यहाँ फाइव पुट करते हैं तो फाइव माइनस वन फोर ही तो आएगा। फिर y प्लस थ्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y प्लस थ्री की वैल्यू फोर के इक्वल होगी, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू कितना आएगा हमारा, फोर माइनस थ्री, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन, तो y की वैल्यू वन ले लेंगे अगर हम, तो यहाँ भी फोर आ जाएगा सिंपली, x और y की वैल्यूज आपको इस टाइप से फाइंड करनी थी। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें सेकंड पार्ट में भी इसी टाइप से कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है थ्री एक्स प्लस वन कोमा टू वाई माइनस सेवन एंड दूसरा है हमारा नाइन कोमा माइनस नाइन। ओके अब देखेंगे इसको हम, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस वन किसके इक्वल हो जाएगा, नाइन के इक्वल, तो यहाँ पर थ्री एक्स किसके इक्वल, नाइन माइनस वन, तो थ्री एक्स इक्वल्स टू कितना एट, और एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी एट डिवाइड बाय थ्री। ओके सिमिलरली अब हम इसमें करेंगे टू वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू कितना माइनस नाइन, तो टू वाई किसके इक्वल हो जाएगा माइनस नाइन प्लस सेवन, तो यहाँ टू वाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस टू, और वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू डिवाइड बाय टू, वाई की वैल्यू माइनस वन, सिंपली ये वैल्यूज आ रही है हमारी क्या एक्स और वाई की, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी एट अपॉन थ्री एंड वाई की वैल्यू आ रही है माइनस वन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो टू टू अपॉन थ्री भी लिख सकते हो, थ्री टू सिक्स और टू अपॉन थ्री। ओके मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल ऐसे तो लिखते हैं हम, देखो अगर थ्री टू या सिक्स यहाँ टू आ गया, क्या करना होता है, देखो जो वैल्यू नीचे रहेगी वो तो नीचे रहेगी। ओके फिर ये वाली जो पीछे वैल्यू होती है वो सबसे आगे जाती है, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर, ऐसे समझ सकते हो कि सबसे ऊपर वाली सबसे, सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर और सबसे पीछे वाली सबसे आगे। ओके ऐसे बना लो आप, ये ऊपर ये आगे और ये इस तरीके से नीचे आ जाती है। ओके ये समझ सकते हो आप इस तरीके से इसको, ये हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखेंगे इसमें, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई और y माइनस थ्री एक्स, ये हमारा किसके इक्वल, फोर कोमा माइनस फोर के इक्वल है। इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल में जब कभी भी इक्वेशन बनती है तो हम इसको जो मेथड्स हमने सीखे इक्वेटिंग द कोफिशियंट, ओके सब्सिट्यूशन लगाते हैं हम या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसे सोल्व करते हैं। अब अगर इसमें सोल्व करें कि अगर हम इसमें क्या करें, y को सेम बनाइए, y माइनस थ्री एक्स है हमारा, या फिर आप क्या कर लो y के सिंपल वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, ये थ्री एक्स हो जाएगा माइनस फोर, वाई की वैल्यू थ्री एक्स माइनस फोर इसमें पुट कर लो, सोल्व कर लो,
सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर इजी होता है जहाँ पर आपके पास किसी भी कोफिशियंट का मतलब किसी भी वेरिएबल का कोफिशियंट गिवन नहीं होता, जैसे वाई का कोफिशियंट कोई भी नहीं गिवन है तो आप इसको सिंपली कर सकते हो, वरना वो थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, वरना तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है सभी, कोई भी मेथड देख लो आप 3 से 9 अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तब सभी आपको चीज़ें सिंपल लगने लगती हैं। आपने एक बार किया क्वेश्चन, ठीक है, देखा छोड़ दिया, तो वो आपको अगर आप उसे नेक्स्ट टाइम करोगे वो आपसे होगा नहीं कभी भी, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को टाइम दिया है, उस क्वेश्चन को अपने आप से किया है, उसकी बारीकियाँ सीखी हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम आती है करने में, तो तभी आपको वो क्वेश्चन होगा। आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे अगर आप क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे ना, तो ये कैलकुलेशन भी आपको बहुत टफ लगेगी। ओके, तो इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना होता है। आप अपने आप से जितना भी प्रैक्टिस करोगे, जितने पेन कॉपी लेकर बैठोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बस यही है इसमें। तो मैथ्स का सिंपल फंडा यही कहता है कि भाई पेन कॉपी लो और लग जाओ, बस आपको करना है, क्वेश्चन आए या ना आए, कुछ समझ में आए तो वो तो अच्छा है ही, नहीं भी आए तो भी लगे रहो उसमें। ओके, दिमाग मारो उसमें, देखो उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ये, ठीक है, ये चीज़ें देखोगे आप तभी आप उसे कर पाओगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल x=2। तो बात तो यही है कि भाई सब चीज़ों को टाइम देना होता है, आप जिसको जितना टाइम देते हो आप उसी फील्ड में उतना ही परफेक्ट बनते हो। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हो, आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है आपने उसको उतना ही टाइम दिया है, तब आप जाकर आप उसमें, चाहे वो गेमिंग हो, ठीक है, या फिर कोई अदर फील्ड हो, उसमें आपने उतना ही टाइम दिया, उस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए आप उसमें बेस्ट हो। ओके, तो बस यही है आपको कि अगर आपको भी इसमें करना है कुछ, मतलब मैथ्स में सीखना है आपको, सिंपल आपको इसको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा तभी वो आपको आएगी, अच्छे से सीखना है तो और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बस यही है। तो ये x=2 हो गई हमारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो वाई की वैल्यू आप सिंपली यहाँ पर पुट कर लो या यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट और सेकेंड ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने पुट किया एक्स की वैल्यू 2-4, तो y=2 होगा 6-4, तो 6-4 वाई की वैल्यू हो गई 2, तो दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, x=2 एंड y=2 आ रही है। सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा। तो ये जो हमने साइमल्टेनियस वाला चैप्टर अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक, आप उसको भी देख सकते हो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे हम इनको सोल्व करते हैं। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज़ द ग्राफ गिवन अलोंगसाइड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। जैसे कह रहा है कि एब्सिसा इज 2, एब्सिसा क्या हो 2 हो हमारा, ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट इज -4, एब्सिसा इज 5, क्या है ये, कि आपको वो पॉइंट बताना है जिसका एब्सिसा 2 हो। एब्सिसा 2 मतलब एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स पर 2 आ जाओ, एक्स पर क्या आ जाओ 2 पर आ जाओ, 2 पर देखो ये पॉइंट आ रहा है एक हमारा, इधर नीचे आ रहा है कोई पॉइंट, यस डी पॉइंट आ रहा है, तो ए और डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है हमारा 2 है। देखो आप ए पॉइंट पर भी 2 वैल्यू आ रही और डी पॉइंट पर भी 2 वैल्यू आ रही, क्योंकि ए को क्या लिखेंगे हम 2, 2 को लिखेंगे, ठीक है, ए को तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे 2, 2, तो एब्सिसा 2 है इसका भी। डी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2, -4, डी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम 2, -4, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एब्सिसा, अब यहाँ पर भी हमारा 2 ही है। ओके, फिर कह रहा है कि द ऑर्डिनेट इज 0, किसका ऑर्डिनेट 0 होगा, ऑर्डिनेट मतलब किसकी वाई की वैल्यू 0, जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई करेगा उसकी वाई की वैल्यू होगी 0, तो मीन्स ये बी पॉइंट ही सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये बी पॉइंट की ही क्या होगी हमारी, इस बी पॉइंट के ही क्या होगा हमारा ऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि बी पॉइंट हमारा कुछ किस टाइप से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा 5, 0, इसमें ही ऑर्डिनेट हमारा क्या है 0। ऑर्डिनेट इज 3, ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू 3 हो, वो भी +3, तो वाई पर +3 जाओ आप, ये 2 और ये 3, 3 किस किस पॉइंट पर आ रहा है हमारा, सी पर आ रहा है और यहाँ पर ई पर आ रहा है, तो इसमें सी और ई पॉइंट पर हमारा क्या होगा, हमारा सी और ई पॉइंट पर क्या होगा ऑर्डिनेट 3 होगा। क्यों, क्योंकि सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखोगे, सी के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देख रहे हो तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -4, -4, 3। ओके, -4, सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -4, 3, तो ऑर्डिनेट 3। यहाँ पर ई के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू 6, 6, 3, तो यहाँ पर आ रहे हैं ई के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 6, 3, तो मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, सिंपल। ओके, ये हो गया हमारा। फिर ऑर्डिनेट इज -4, ऑर्डिनेट इज -4 मतलब वाई की वैल्यू इस बार आपको क्या चाहिए -4, तो वाई पर -4 पर आ जाओ, ये आ गए -4 पर। अब इधर पॉइंट देखो, ये रहा पॉइंट डी है, सिर्फ डी पॉइंट है हमारा क्या जिस पर ऑर्डिनेट -4, देखो डी के हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए थे, डी की यहाँ पर क्या आ रही है वाई की वैल्यू -4। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, एब्सिसा इज 5, एब्सिसा क्या हो 5 मतलब एक्स की वैल्यू 5 हो, तो एक्स पर 5 जाओ +5, ये रहा, तो एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर आ रही है, एक तो बी पॉइंट पर आ रही है, एक एच पॉइंट पर आ रही है और इधर भी आ रही है जी पॉइंट पर, तो ये आएंगे हमारे
एच बी जी, तो ये सभी पॉइंट हमारे क्या होंगे जिस पर हमारी क्या होगी एफ सीजा की वैल्यू 5 होगी, बी एच और जी ये पॉइंट हमारे होंगे। ओके सिंपल। फिर कह रहा है कि द एब्सिसा इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट बताओ जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट के इक्वल आ रहा हो। तो इसमें अगर आप देखो कि अगर हम इस वाले पॉइंट पर जाते हैं ए पर, तो ये 2 और 2, ठीक है, मतलब दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, एक्स की वैल्यू भी 2 आ रही है, वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही है 2 आ रही है, ये पॉइंट हो गया हमारा एक्स की वैल्यू 2। एंड देखो आई, देखो आप इस वाले पॉइंट को देखो आई को, एक्स की वैल्यू भी 4, वाई की वैल्यू भी 4, और कोई पॉइंट है ये 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है, एच भी सेम आ रहा है, ये हमारा 6 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। तो ये जो पॉइंट है हमारे, देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट आ रहा होगा ना इस लाइन में, वो भी इक्वल आ रहा होगा हमारा। ऐसे इसमें देखो -4 और यहाँ पर है ये 3 है, इक्वल नहीं है, डी यहाँ पर डी भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये कितना है 5, -3 है, तो ये भी नहीं है। तो ये सभी पॉइंट है ए आई एच, ए आई और एच इन सभी पॉइंट के क्या हैं एक्स और वाई एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स क्या हैं इक्वल है हमारे। सिंपल हो गया क्वेश्चन ये भी हमारा। नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ द एब्सिसा, ऑर्डिनेट क्या हो आधा हो एब्सिसा का, मींस एब्सिसा जितना भी उसका आधा कर दो तो ऑर्डिनेट आना चाहिए। ओके या फिर कह सकते हैं कि ऑर्डिनेट का डबल हो एब्सिसा। अब देखो ऐसे ऐसे पॉइंट जिस पर क्या हो रहा है हमारा ऑर्डिनेट हाफ आ रहा हो किसके एब्सिसा के, तो अगर हम पॉइंट देखते हैं देखो इनमें तो इक्वल आ रहा है तो ये तो होंगे नहीं हमारे। अगर हम ई की बात करें, ई की वैल्यू में यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 3, क्या ऑर्डिनेट हाफ है एब्सिसा का, यस ऑर्डिनेट हाफ है एब्सिसा का, तो ई पॉइंट हो गया हमारा। ओके ये हो गया हमारा ई पॉइंट। और क्या और कोई पॉइंट है इसमें कि ऐसा हो सकता है, तो और कोई पॉइंट हमारा नहीं आएगा यहाँ पर, ये सभी माइनस वगैरह में आ रहे हैं यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ द एब्सिसा हो जाएगा सिंपली। ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स बताने, कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, क्या ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो नहीं, बिल्कुल बेकार बात है, ये तो गलत बात है। ओके फॉल्स, क्योंकि ऑर्डिनेट क्या होता है वाई की वैल्यू होती है। ओरिजन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या ओरिजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, तो ये भी बात गलत है कि ओरिजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर है हमारा। ओके उसको एक्स एक्सिस पर कह सकते हैं, वाई एक्सिस पर कह सकते हैं, तो ये भी गलत बात है, फॉल्स है। वाई एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। ओके और हॉरिजॉन्टल कहते हैं एक्स एक्सिस। फिर कह रहा है कि एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द फोर क्वाड्रेंट, कि सभी पॉइंट इन वन ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, नहीं, ये भी देखा हमने कि सभी इन फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे भी लाई करते हैं हमारे, तो वो क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं। ओके तो ये भी फॉल्स है, सभी क्वाड्रेंट हमारे मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स एक्सिस और वाई क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, वो एक्स और वाई पर भी आ सकते हैं। ओके आगे फिर ये कह रहा है कि इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल्स टू इट्स एब्सिसा, मतलब दोनों ही वैल्यू इक्वल हो जाएं, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएं, द पॉइंट लाइज आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्या बात सही है ये, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है हमारी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कब करेंगे कि अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी कब होगी, या तो वो 5.5 इस तरीके से उठते हैं, या फिर -5.5, या फिर दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का हुआ, जैसे -5 और +5 हो तो कभी इक्वल होंगे ही नहीं, तो ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है कि दोनों प्लस हो जाएं, और या फिर हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में कि दोनों माइनस में हो जाएं, तो जब वैल्यू इक्वल होंगी या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी या फिर होंगी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में नहीं होंगे, वो होंगी थर्ड में ही, कह रहा है ना लाइन इन द फर्स्ट एंड और इन द सेकंड, तो थर्ड होता तो सही होता है। ओरिजन 00 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, क्या ओरिजन 00 क्या लाई करेगा आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर सकता है, यस बिल्कुल कह सकते हैं, इसको वाई एक्सिस पर भी कह सकते हैं। ओके अगर ये वाई एक्सिस भी कहता तो वाई पर भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर भी लाई कर रहा है, वाई पर भी कॉमन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी कह सकते हो। द पॉइंट ए बी लाइज ऑन वाई एक्सिस इफ बी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, नहीं फिर तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, क्यों? क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा, वाई पर नहीं, तो ये भी हमारा फॉल्स है। ओके ये बात फॉल्स हो गई। अब ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। सिंपल एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू इससे सोल्व होगी, इनको सोल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में उसे लिखना है, मतलब उसे ब्रैकेट में लिख देना है कि एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देना, हम लेट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो 5 लिख देंगे, 7 आ गई यहाँ पर 7 लिख देंगे, 5.7 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सिंपली
तो अब हम इसको पहले हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे फाइंड करने हैं कि ये पहली वाली वैल्यू एक्स के, दूसरी वाली वैल्यू वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट वाले के लिए, और सेकेंड वाले के लिए कह रहा है 2y+1 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 1/2y। ओके, करेंगे इसको अगर हम तो 3 को उधर लेके आएंगे, -2x इक्वल्स टू 7 -3, तो ये -2x इक्वल्स टू 4। एक्स को इधर लेके डिवाइड में लेके आएंगे, -2 डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी -2। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी सिंपली। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, क्या होगा y की वैल्यू एक साथ लेके आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको 2y, ये माइनस की वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी 2 1/2 का मीन्स है 5/2, क्योंकि 2 2 4 1 5/2 लिखा हमने इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको। अब इसका लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो 2 LCM होगा, 2 और 1 का LCM 2। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 4y हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 5y। ओके, 10 - 1 कितना होगा, 9। सिंपल एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपल क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर। ओके, अगर एलसीएम आपको नहीं आता तो सिंपल यही करना है कि दोनों की मल्टीप्लाई करो, यहाँ रख दो, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में प्लस साइन, तो प्लस साइन लगा के इनको प्लस कर देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे, बस ये हो जाएगा 9y, फिर 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 2 / 9 से 9 कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या, 2। ओके, वाई की वैल्यू 2 हो गई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2, 2 हो गए सिंपल। -2, 2 फर्स्ट वाले के क्या हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, सेकंड वाले में भी इसी टाइप से सोल्व करना है आपको। सेकंड में क्या गिवन किया आपको, सेकंड में गिवन किया 2a/3 - 1 इक्वल्स टू a/2। ओके, एंड एक और इक्वेशन गिवन किया 15 - 4b/7 इक्वल्स टू 2b - 1/3। ओके, ये करना है आपको। सोल्व करेंगे इसको, कैसे सोल्व करें, आप चाहें तो ए वाली वैल्यू को उधर लेके आ सकते हैं, या फिर इसके साथ भी इसको अभी सोल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे कि अगर हम इसके नीचे वन ले लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, ऐसे, तो ये हो गया ये a/2। ओके, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2a - 3 और 3 इधर आकर मल्टीप्लाई 3a। ओके, 2 2 4 a होगा, -2 3 6 इक्वल्स टू 3a, 3a को इधर लेके आएंगे तो 4a - 3a और इक्वल्स टू 6, 4a - 3a, a की वैल्यू आ गई 6। सिंपली अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, b की वैल्यू के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा डिवाइड में है कंप्लीट। 3 को इधर लेके आ जाएंगे बस, और 7 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। सॉल्व करेंगे, 15 3 = 45 और 3 4 = 12, बी इक्वल्स टू 7 2 = 14 बी और -7, 14b इधर आकर हमारा -14b और ये 12b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 इधर आकर -45 और -7, इन दोनों को करेंगे तो यहाँ आएगा 26 - b इक्वल्स टू कितना, माइनस ये हो जाएगा 52, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ रही है 2, क्यों 52, 26 इसे 2 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, 2। सिंपल कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 6, 2। इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें थर्ड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बना रखा है इन्होंने, देखो ये सिंपल ही है, तो आपको कैलकुलेशन इनको आना चाहिए, ये तो सिंपल ही है हमारे। ओके, कुछ टफ नहीं है इसमें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, वो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन तो सिंपल ही होती है हमारी, सिंपली इनको सोल्व कर सकते हैं इस टाइप से है हमारा 4y-। ओके, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट हटाओगे इसको, 5x - 5 और +x इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 और ये 3 - x कर सकते हो, 5x और x ये हो जाएगा 6x - 5 इक्वल्स टू 1/2 और ये 3 - x, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और ये 6x - 5 इक्वल्स टू कितना 3 - x, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 = 12x - 2 5 = 10 इक्वल्स टू कितना 3 - x, x इधर आएगा तो ये जाएगा 12x + x इक्वल्स टू 3 + 10। ओके, यहाँ हो जाएगा 13x इक्वल्स टू कितना 13 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/13 ये हो जाएगी हमारी 1, ये हो जाएगा सिंपल हमारा। ओके, अब करेंगे हम इसमें क्या,
इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही हम, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो थ्री को इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ क्योंकि पूरा डिवाइड में है ये, तो थ्री इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ पर ये फोर प्लस वाई रह जाएगा, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर जै ट्वेल्व और थ्री थ्री जै नाइन वाई इक्वल्स टू फोर प्लस वाई। वाई वाली वैल्यू एक साथ लेके आएंगे तो ये जो वाई प्लस का वाई इधर लेके आएंगे तो माइनस का वाई, और ये माइनस का नाइन वाई ऑलरेडी इधर ही है। ट्वेल्व को आर एच एस में लेके आएंगे तो माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टेन वाई और ये हो जाएगा माइनस का एट। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू एट डिवाइड बाय टेन, कैंसिल करेंगे इसको तो कितना जाएगा वाई की वैल्यू टू फोर जो टू फाइव जो, तो ये हो जाएगा फोर अपॉन फाइव। तो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास वन कोमा फोर अपॉन फाइव, सिंपली ये हो गया हमारा आंसर। ओके सिंपल था ये हमारा। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर गिवन बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स, फाइंड इन ईच केस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, सिंपल। अगर ये क्या है रेक्टेंगल है, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो आप इसे ग्राफ पेपर से कि हम कैसे इनको इसको बताएंगे कि रेक्टेंगल होगा हमारा। ओके बना लेते हैं इसमें ग्राफ। तो देखो इसे ग्राफ की हेल्प समझेंगे, हमारे पास एक ग्राफ कॉपी थी हमारे पास ये पढ़ी हुई थी जिसमें जिसमें हमने चैप्टर नंबर 27 कराया आपकी बुक का, तो इसमें हमारे पास ब्लैंक पेजेस नहीं है इसके ग्राफ के, तो इसी में आप समझने की कोशिश करना है इसमें, ठीक है समझ में आ जाएगा। सिंपल देखो क्या है हमारा, ये कह रहा है कि ए पॉइंट है टू कोमा जीरो, टू कोमा जीरो कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एक्सिस पर टू जाना वाई पर जीरो, तो यही पॉइंट होगा हमारा ए टू कोमा जीरो। ओके ये ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे सिंपल। फिर कह रहा है कि बी बनाओ एट कोमा जीरो, बी बनाना आपको एट कोमा जीरो, तो एट कोमा जीरो यहाँ पर आएगा हमारा एट कोमा जीरो, ये बी पॉइंट। ओके सी पॉइंट कह रहा है कि एट कोमा फोर बनाना है आपको, एट कोमा फोर एट एक्स एक्सिस पे थे तो वाई पर जाना फोर, इसका मीन्स ये। अब ये सी हो गया हमारा, तो डी कहाँ होगा हमारा, डी कहाँ होगा, देखो रेक्टेंगल है अगर ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है अगर यहाँ पर ये, तो इसी के 90 डिग्री में अगर हम पॉइंट लेंगे फोर पर तो यही पॉइंट तो होगा हमारा, इसी तरीके से तो बनेगा हमारा, तो यही पॉइंट तो होगा हमारा डी पॉइंट, तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, डी पॉइंट हो जाएगा टू कोमा फोर, सिंपल। ओके तो डी पॉइंट हो गया टू कोमा फोर, ये करना फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में कह रहा है कि ए बनाओ फोर कोमा टू, ए बनाओ फोर कोमा टू, फोर कोमा टू एक्स एक्सिस पे जाना फोर और वाई पे जाना टू, तो ये बनाना हमें फोर कोमा टू। ओके ये हमारा। फिर कह रहा है कि बी पर जाओ माइनस टू कोमा टू, माइनस टू कोमा टू बी बनाना है आपको एक्स एक्सिस पर माइनस टू और कोमा टू यहाँ पर आपको, ठीक है तो ये बनाना है आपको माइनस टू कोमा टू। फिर सी कह रहा है यहाँ पर क्या करना है, डी बनाना है, फिर आपको डी डी का बनाना है फोर कोमा माइनस टू पर, डी बनाना है फोर कोमा माइनस टू पर एक्स एक्सिस पर फोर वाई पर माइनस टू यहाँ पर इस टाइप से, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट फोर कोमा माइनस टू। तो हमारा सी पॉइंट का होगा, देखो ए बी सी, सी का यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट, तो सी का होगा अगर हम इसको बनाते हैं देखो इस तरीके से, तो रेक्टेंगल में क्या होती है लाइन परपेंडिकुलर होती है और अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये यहाँ पर रुकेगा हमारा ये पॉइंट होगा हमारा। ओके तो ये पॉइंट हमारा किसके इक्वल होगा हमारा सी के, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, देखो एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू कोमा टू ये हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे। ओके ये करना है आपको सिंपली, तो रेक्टेंगल बना लेना है आपको, मिल जाएगा वो पॉइंट आपको जो इसमें है नहीं, ए सी और डी गिवन क्या बी फाइंड करना। देखो अब अगर हम इसमें देखें ए पॉइंट माइनस फोर कोमा सिक्स, दूसरा वाला ग्राफ ले लेते हैं इसमें, ज़्यादा बन गया हमारा, ठीक है माइनस फोर कोमा सिक्स, ए लेना आपको माइनस फोर कोमा सिक्स, माइनस फोर कोमा सिक्स, तो माइनस फोर और कोमा सिक्स मतलब कहाँ पर आएगा, माइनस फोर कोमा सिक्स आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस माइनस फोर और फिर सिक्स, ये पॉइंट है हमारा माइनस फोर कोमा सिक्स। ओके फिर अब माइनस फोर कोमा माइनस सिक्स था, ये माइनस फोर कोमा माइनस सिक्स था, तो माइनस सिक्स इधर आएगा, इधर नहीं आएगा हमारा, माइनस फोर कोमा माइनस सिक्स आएगा इधर, ये पॉइंट होगा हमारा ए माइनस फोर कोमा माइनस सिक्स। फिर कह रहा है कि सी है हमारा सिक्स कोमा जीरो, सिक्स कोमा जीरो बताओ कहाँ पर आएगा, तो एक्स एक्सिस पर सिक्स जाना और जीरो, तो ये होगा हमारा सिक्स कोमा जीरो और ये है सी पॉइंट। फिर कह रहा है इसमें डी पॉइंट है माइनस फोर कोमा जीरो, डी पॉइंट कहाँ है हमारा माइनस फोर कोमा जीरो, तो माइनस फोर कोमा जीरो एक्स एक्सिस पर जाएंगे माइनस फोर, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा माइनस फोर कोमा जीरो। अब हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है ये डी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो बी कहीं यहाँ पर होगा हमारा क्योंकि ए बी सी डी इस तरीके से बनेगा, और अब अगर हम रेक्टेंगल बनाएं इसको तो ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको कितना लेंगे, इसको भी बिल्कुल हम सेम जितनी डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस लेंगे,
इसका मीन्स इसको यहाँ रोकेंगे और इस यहाँ नहीं रोकेंगे, मतलब इसको रोकेंगे यहाँ पर इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके सामने आना चाहिए ना ये हमारा सिंपल, जितना लेंथ ये है उतना डिस्टेंस ये ले रहा है आपको, मीन्स ये कितना डिस्टेंस है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और 6 लाइन तक, जिससे कि बिल्कुल इसके स्ट्रेट लाइन बने यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, बी पॉइंट, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -6, तो ये हो जाएंगे हमारे सिंपल एक्स की वैल्यू 6 वाई की वैल्यू -6। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें हम, तो नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है कि बी की वैल्यू लेनी है 10.4, सी की वैल्यू 0.4 और डी की वैल्यू ये, तो बी इसमें ए की वैल्यू बतानी है आपको। 10.4 अगर हम लेते हैं इसमें, तो इसमें तो हमारा 10.4 आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, कोई दूसरा ग्राफ देखते हैं इसमें। अब हम इसको देखेंगे अगर, तो इसमें बना सकते हैं 10.4 था एक्स एक्सिस पर 10 और वाई पर 4 जाना, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, ये क्या होगा हमारा 10.4 होगा। ओके, फिर क्या कह रहा है इसमें, सी की वैल्यू 0.4, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 4 जाना था, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर जाना है 4, तो ये पॉइंट होगा हमारा क्या 0.4 होगा। ओके, 0.4 सी, ये होगा सी 0.4, फिर ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये क्या कह रहा है फिर इसमें, डी पॉइंट लेना 0.-2, डी पॉइंट लेना है 0.-2, तो 0.-2 पॉइंट कहाँ पर आएगा, 0.-2 पॉइंट आएगा यहाँ पर, क्यों, एक्स एक्सिस पर 0 वाई पर -2 जाना, तो ये 0.-2। अब ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया डी, ए बताना है आपको। देख कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा हमारा, ये बन गया। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे और यहाँ ये हो जाएगा इस वाले पॉइंट तक। ओके, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, ये पॉइंट हो जाएगा एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू कितनी -2, ये हो जाएगा -10.10.-2, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10.-2, ये हो गया सिंपल हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ए बी सी आर द वर्टिस ऑफ अ पैराग्राम ए बी सी डी बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको, एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेम ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के मिड पॉइंट भी आपको फाइंड करने हैं इसी की हेल्प से। तो सिंपल ए बी हमारा, देखो अगर हम इसको बनाते हैं यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करके इसको बनाते हैं पैराग्राम को, तो कैसे बनेगा पैराग्राम जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो सिंपल इसके अगर हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, ए की वैल्यू -2.2, एक्स की वैल्यू पर -2 जाएंगे, वाई पर 2 जाएंगे, तो ये पॉइंट आएगा हमारा -2.2, ये क्या है हमारा ए के लिए, ए बताया इसको। बी के लिए क्या है 8.2, एक्स एक्सिस पर जाना 8, ओके एक्स एक्सिस पर 8 जाना है और वाई पर जाना 2+2, तो ये पॉइंट होगा हमारा 8.2, ये हमारा बी पॉइंट 8.2। फिर है 4.-4, 4.-4, एक्स एक्सिस पर जाना है 4 और वाई पर जाना है -4, तो ये होगा हमारा पॉइंट 4.-4, ये है सी पॉइंट 4.-4, ये सी पॉइंट है हमारा। ओके, अब डी पॉइंट आपको बताना, अगर ये पैरेलोग्राम है तो पैरेलोग्राम कैसा होता है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अगर हम इसको ज्वाइन करें और यहाँ से ज्वाइन कर दें इसको, तो देखो जितना डिस्टेंस ये होगा ना उतना डिस्टेंस यहाँ आगे ले लो, कितना डिस्टेंस है देखो, कितने बॉक्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेज हैं। ओके, देखो 8 डिस्टेंस ये और 2 डिस्टेंस ये, यहाँ पर भी आपको ऐसे लेना है कि ये डिस्टेंस 4 डिस्टेंस, ये 10 डिस्टेंस लेना है आपको, तो 4 डिस्टेंस ये और 6 डिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो ये पॉइंट आएगा हमारा ये वहाँ पर, डी पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर -6, एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू -4, तो डी पॉइंट आएगा हमारा ये, अगर हम इसमें देखेंगे इस टाइप से, देखो पैराग्राम बन रहा है हमारा। ओके, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होती हैं, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। सिंपल हमने डी पॉइंट फाइंड कर लिया इसमें -6.4। अब ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द मिड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8 का है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी का मिड पॉइंट भी फाइंड करो। देखो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, 10 डिस्टेंस है तो 5 डिस्टेंस ले लो, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट हमारा इसके मिड में आ रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3.2, ये पॉइंट्स होगा, ये मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। सिंपल सी डी का मिड पॉइंट क्या होगा, इनका देखो डिस्टेंस 10 डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट हमारा इसका मिड पॉइंट आ रहा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 डिस्टेंस इधर से भी 1 2 3 4 5 पर आ रहा, तो मिड पॉइंट है,
कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, -4। ओके ये होगा हमारा सिंपल मिड पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट ये आ रहा है हमारा, ए बी का मिड पॉइंट क्या आ रहा है हमारा 3, 2 आ रहा है, एंड सी डी का मिड पॉइंट आ रहा है हमारे पास -1, -4। सिंपली ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो इसी टाइप से क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ए सी डी आर द वर्टिस ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी यूजिंग द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है सिंपल, ए बी हमारा ए बी सी डी बनाएंगे, इसको दिखा देंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो डिस्टेंस हमारा 10 तक जा रहा है, यहाँ 10 तक जा रहा है, तो हम 2, 2 का गैप लेकर इसका ग्राफ बना लेंगे, और ए को रिप्रेजेंट करना है आपको -2, 4 पर, -2, 4। ये हो गया हमारा -2, 4 ए पॉइंट, -2, 4। ओके फिर बी सी पॉइंट है हमारा क्या 4, 10, सी पॉइंट है हमारा 4, 10, यहाँ पर आ गया हमारा सी पॉइंट 4, 10। ओके ये सी पॉइंट है हमारा। फिर डी पॉइंट आ गया हमारा -2, 10, -2, 10, यहाँ पर आएगा ये हमारा कहीं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पॉइंट -2, 10। तो ये पॉइंट है हमारा -2, 10, ये हमारा डी पॉइंट। अब ये सी है, ये डी और ये ए, ए कहाँ है हमारा, ए हमारा -2, -4, तो -2, 4 ये पॉइंट होगा ना हमारा क्या ए, -2, 4 ये ए पॉइंट है हमारा। ओके स्क्वायर क्या बनेगा ये है, ठीक है ए स्क्वायर बनेगा हमारा, स्क्वायर किसके इक्वल होगा देखो, जितना डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, तो ये वाला यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये हो गया हमारी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या हो रही है हमारी 4, 2, 4, तो 4, 4 है इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, फोर्थ वर्टेक्स बी फाइंड कर लिया, 4, 4 आ रहा है हमारा। फिर ये कह रहा है कि मिड पॉइंट किसका फाइंड करना है, फर्स्ट में कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ किसका फाइंड करो, मिड पॉइंट ऑफ बी सी फाइंड करो। बी सी साइड कहाँ है, ये बी सी साइड बी और सी, बी और सी का मिड पॉइंट कहाँ होगा, देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 3, ये डिस्टेंस हमारा देखो 3 डिस्टेंस है, 1 box, 2 box और 3 box, तो इसके बिटवीन आएगा ये पॉइंट हमारा। ठीक है तो इसमें देखो क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा 6 और 8 के बिटवीन आएगा 7, तो ये आएगा 7, कितना मतलब x की वैल्यू दें 4 ही रहेगी इस पॉइंट पर, x की वैल्यू तो 4 रहेगी तो 4 रखेंगे, और y की वैल्यू कितनी लेंगे, y की वैल्यू 7 लेंगे, क्योंकि 6 और 8 के बीच में क्या आएगा 7 आएगा, तो इसके आगे ए बी सी का जो मिड पॉइंट है वो आएगा 4, 7 आएगा सिंपल। ओके तो 4, 7 आ गया। सेकंड में कह रहा है कि किसका आपको किसका मिड पॉइंट फाइंड करना, सी डी का मिड पॉइंट फाइंड करना, सी डी, सी डी कहाँ है हमारी, ये डी सी डी लाइन, तो सी डी में भी 3 डिस्टेंस है, तो इसका भी मिड पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, एक्स की वैल्यू रहेगी अब 1, एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि एक्स पर कितना आए 1 पॉइंट है, और वाई की वैल्यू कितनी रहेगी, वाई पर तो ये सेम इसी पॉइंट पर है 10 पर, तो 1, 10। ठीक है ये हो गया इसका मिड पॉइंट ऑफ, तो ये तो इसका हो गया हमारा, और ये हो गया 1, 10 मिड पॉइंट ऑफ सी डी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, ये हो गया हमारा, और फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, तो डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर्स के कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं आपके 90 डिग्री पे करते हैं, और एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों के मिड पॉइंट देखेंगे अगर, तो इनका मिड पॉइंट देखो यहाँ लाई कर रहा है, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर लाई करेगा हमारा, तो ये लाई कर रहा है हमारा 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 7, तो ये हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 7 पर, तो ये तो हमें ग्राफ से ही पता चल जाएंगे पॉइंट्स। ओके तो ये हमारा 1, 7 सिंपली, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, ये चेक करने आपको कोलिनियर होंगे या नहीं, कोलिनियर मीन्स एक लाइन पर लाई कर रहे होंगे तो कोलिनियर है, वरना ये कोलिनियर नहीं है, सिंपल ये मीनिंग होता है कोलिनियर का। बनाओ पॉइंट 3, 5, 3, 5 का बन रहा है, ये रहा 3, 5, ये रहा पॉइंट 3, 5। ओके ये 3, 5 है, फिर क्या पॉइंट बनाना, 1, 1, तो 1, 1 बनाओ आप, ये रहा 1, 1। फिर 0, -1 बनाओ, 0, -1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, तो ये हमारा 0, -1 जाना, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, ये है हमारा पॉइंट 0, -1।
ओके तो एक पॉइंट ये हो गया हमारा, इसको ए लेट कर लेते हैं, दूसरा हो गया 1,1, ये बी लेट कर लेते हैं, तीसरा हो गया ये हमारा पॉइंट। क्या ये सभी कोलिनियर है? तो एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। ये रहा हमारा स्केल खतरनाक वाला है एकदम, ठीक है। तो इसमें करेंगे हम इसको क्या, कोलिनियर देखेंगे कि इस वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, इनके बीच में ये वाला पॉइंट आएगा, यस आ रहा है, देखो ये वाला पॉइंट इसके इस पर आ रहा है हमारा, तो ये क्या हमारे कोलिनियर हैं, यस। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर है, जो ए बी सी हमने बनाई है कोलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ओके। जैसे हम ए और सी को ज्वाइन करते हैं और बी इस पर लाई नहीं करते तो हम कह देते हैं कि कोलिनियर नहीं है। सिमिलरली हम इसको भी ड्रॉ करेंगे, -2, -1 अगर हम देखें, -2, -1 यहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा, थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसको अगर हम, तो -2, -1 फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर ये वाला पॉइंट आपका -1, -4 यहाँ पर आएगा हमारा पॉइंट, ये बी पॉइंट हो जाएगा -1, -4, ओके ये होगा हमारा बी पॉइंट। फिर -4, -1, -4, -1 एक्स एक्सिस पर जाना -4 और वाई पर जाना 1, -4, 1 ये हमारा सी पॉइंट -4, 1 कोलिनियर है नहीं। देखो ए बी सी इनको ज्वाइन करके देखो नहीं आ रही, ए की लाइन पर नहीं आ रहे, देखो दो एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इस पर थर्ड पॉइंट आ ही नहीं रहा हमारा, ये नहीं लाई कर रहा है इस पर हमारा, तो किसका मीन्स है ये कि ये क्या है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि देखो ये ए तो बिल्कुल अलग आ रहा है यहाँ पर, तो ये कोलिनियर नहीं है, तो सेकेंड वाले में लिख देंगे नो, ओके। तो ये होता है कोलिनियर का मीनिंग कि लाइज ऑन सेम लाइन। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट ए फ्रॉम ए, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ए एन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम एंड एन। सिंपल है ये तो क्वेश्चन हमारा, कि अगर हमें एक ड्रॉ करना है 5, -7 पॉइंट ड्रॉ कर लो 5, -7 एक्स एक्सिस पर 5 जाना है, वाई पर जाना है -7, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा 5, -7। फिर कह रहा है कि इस पॉइंट से क्या करना है आपको, इस ए पॉइंट से आपको फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, ए एम यहाँ पर आपको ए एम परपेंडिकुलर ऑन क्या करना है, एक्स एक्सिस करना है। तो ये वाली जो पॉइंट है हमारी, ये वाली लाइन है कुछ इस टाइप से होगी हमारी परपेंडिकुलर लाइन, तो ये पॉइंट आएगा हमारा एम, ये पॉइंट आएगा एम, तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 5, 0, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस पर, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 0, एम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5, 0। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट लाइन हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगी, और ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा 0, -7, ये ए एम है और ये ए एन कह रहा है ड्रॉ करने के लिए, तो होगा -7, -7, 0 पॉइंट, ओके। क्योंकि ये एन कहाँ पर आपका, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ए एन। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा है कि ने स्क्वायर ए बी सी बाय प्लॉटिंग ऑन ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल करना है आपको, अभी से बनाते हैं। देखो 12th में ए पॉइंट कह रहा है 3, 4 एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 4, ठीक है, 3, 4 ये है हमारा ए पॉइंट्स, ओके। ए पॉइंट हो गया, बी कह रहा है कि -2, -4, -2, -4 ये बी पॉइंट हो गया हमारा -2, -4 -2, -4 करना था, -2, +4 करना था, इधर आएगा ये वाला पॉइंट, ये आएगा हमारा -2, -4 क्योंकि एक्स पर माइनस वाई पर प्लस जाना है। ए हो गया, बी हो गया, सी कह रहा है इसमें कितना -2, -1, -2, -1 ये हो गया हमारा सी पॉइंट -2, -1 कह रहा है। फोर्थ पॉइंट निकालो, तो फोर्थ पॉइंट कैसे होगा, अगर ये स्क्वायर है तो, अगर ये स्क्वायर है तो सिंपल ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ ले लेंगे, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये लिया हमने, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट, और डी के कोऑर्डिनेट्स हो रहे हैं 3, -1। अब अगर इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होता है, एल इंटू बी होता है। क्या लेंथ और ब्रेथ, स्क्वायर की दोनों लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, या फिर ए स्क्वायर भी कह देते हैं एरिया, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, देखो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस कितना अगर हम इसे मेजर करें तो 1, 2, 3, 4, 5 डिस्टेंस इधर से देख लो, इधर से देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस को काउंट कर रहे हैं, तो 5 × 5 तो यहाँ पर 5 × 5 या फिर कह सकते हैं 25 स्क्वायर यूनिट, ओके। इस तरीके से आपको एरिया बता देना, सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल ओ ए बी सी, पॉइंट ओ इज ओरिजन, पॉइंट ओ कहाँ है हमारा, ओरिजन पर, मतलब 0, 0 एंड कह रहा है कि ओ ए इज इक्वल्स टू 10 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, ओ ए जो है हमारा एक्स एक्सिस पर 10 यूनिट है, मतलब ये पॉइंट हमारा ए है ओ ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, 0 ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 10, 0 और फिर ये कह रहा है क्या
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ए बी एंड ए बी इजिकल्स टू 8 यूनिट, और ए बी क्या है हमारा 8 यूनिट है, तो ए बी से अगर हम 8 यूनिट जाएं प्लस साइड में हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, इस पर जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ये, क्योंकि 8 यूनिट एरिया हमारी, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा कितना बी, और बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10.8, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 10 है ना यहाँ पर, वाई की वैल्यू 8 है क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि आपको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है रेक्टेंगल में, अब सी कहाँ होगा हमारा, ये ओ, ये ए, ये बी, तो सी हमारा इधर की साइड होगा रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल बनाना है अगर हमें, तो ये पॉइंट होगा हमारा सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 8 रहेगी, इसलिए हो जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट्स 0.8, ए के ये, बी के 10.8 और सी के क्या हमारे 0.8, ये सिंपली हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फिर कुछ कह रहा है और फाइंड करने के लिए नहीं, सिंपल बस इसने यही फाइंड करने के लिए कहा है इसमें। ओके गाइस, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाए। ओके, थैंक यू।